हेलो बेटा, तो अभी तक हमने ये देखा कि बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन जितने भी बातें उन्होंने बताई अपने एटॉमिक मॉडल के बारे में और पूरा डिस्क्रिप्शन जो देखा आपने, हर एक वेरिएशन को समझा, क्या क्या पॉसिबल पैरामीटर्स हैं जो कि निकाल सकते हैं, उन सब के बेस पे फाइनली अगर आप, जैसे होता है ना किसी मेहनत के बाद उसका फल मिलने का टाइम आता है, बिल्कुल वैसे ही अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा है बोर के लिए। बोर ने जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे वर्क किया, ये एक अल्टीमेट वर्क था, और इसकी मदद से, बोर के मॉडल की मदद से, इवन यू कह लीजिए आप, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एटम कह सकते हैं, किसी एटम के फिंगरप्रिंट्स कह सकते हैं। सवाल उठता है, ये स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा क्या होता है? अगर आप देखें यहां पर ध्यान से, एटॉमिक स्पेक्ट्रा फिंगरप्रिंट्स ऑफ एन एटम, देखिए, एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट गिव ऑफ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स कलर कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द एटम। अगर हम देखें कि हर एलिमेंट अपने आप में कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कलर रखता है। यहां पे देखिए आप, अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, उनके कुछ कलर्स आपको मिल रहे हैं, तो कलर्स में देखिए आप, कुछ आपकी ब्राइट लाइन्स आपको मिलेंगी, कुछ आपकी डार्क लाइन यहां पे मिल रही है। तो जो डार्क लाइन होती हैं या ब्राइट लाइन्स होती हैं, और ये जो आपको दिख रहा है ना, तो इस तरीके से इन लाइंस के बारे में इन्होंने बताया कि आखिर ये लाइंस कैसे होती हैं और क्या होती हैं। इन लाइंस के बारे में ये बताइए, लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, तो ये जो लाइंस मिली हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की वजह से मिली या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की वजह से मिली। ब्राइट लाइंस आपको मिल रही हैं, कहीं पे डार्क लाइंस मिल रही हैं, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वजह से मिलती है। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगर लाइट के इमिशन की वजह से जो उससे वेवलेंथ निकलती हैं, और एवरी वेवलेंथ इज कनेक्टेड टू एनी कलर, किसी कलर से रिलेटेड होती है, और उसको हम अगर उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो वो अरेंजमेंट स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहां जैसे आप देखिए ना, अगर आप प्योर लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तो जो आप देखते हो विब गयोर, वो विब गयोर क्या है? बेसिकली स्पेक्ट्रम है। क्या किया था हमने वहां पे? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सबको अरेंज किया कि भाई पहले विब आएगा, पहले वी आएगा, वायलेट आएगा, फिर इंडिगो आएगा, फिर आपका ब्लू आएगा, फिर आपका ग्रीन आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ऑरेंज आएगा। एंड आपने देखा वो सब एक दूसरे में मर्ज थे, कहीं पर बीच में कोई डार्क लाइन या ब्राइट लाइंस नहीं थी। इट मींस देयर इज नो लाइन स्पेक्ट्रम, दो नो गैप, उनके बीच में कोई गैप नहीं था, उनके बीच में कोई डार्क जोन नहीं था। इट मींस वहां पर वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को देखें, तो वहां पर आपको लाइंस ऑब्जर्व होंगी, और यही तो बात है कि जब आप रदरफोर्ड की बात करेंगे, तो उनकी वजह से कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा था। लेकिन जो बात बोर ने बताई, बोर के हिसाब से एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही थी या आ रही थी या जा रही थी, दैट वॉज इन द क्वांटाइजेशन, वो क्वांटाइजेशन में थी। जब एनर्जी क्वांटाइजेशन में थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पर्टिकुलर लाइंस मिलेंगी, कुछ डार्क मिलेंगी, कुछ लाइट मिलेंगी, कुछ लाइट मिलेंगी, कुछ डार्क मिलेंगी, इस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रम डेवलप होगा। और इन्होंने फाइनली ये बताया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन का यहां पे मिलेगा, वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब लाइन स्पेक्ट्रम में देखिए एक बात रखी गई आपके सामने, कि अगर सपोज करिए ये पूरा की पूरा एक स्पेक्ट्रम है, और उसमें आपने देखा कि कुछ आपको लाइंस यहां पे दिखाई दे रही हैं, इट मींस ये लाइंस की वजह से इसको कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रा। कुछ ब्राइट लाइंस जब आप देखेंगी, तो इसे इमिशन स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाएगा। और अगर कुछ डार्क लाइंस आपको देखेंगी, पूरी की पूरा एक कलर ब्राइट है लेकिन बीच में डार्क लाइंस है, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। पूरा की पूरा अगर डार्क है और उसमें बीच में ब्राइट लाइंस हैं, तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। यहां पे देखिए पूरा की पूरा डार्क है, और यहां पर ये एक ब्राइट लाइंस जो दिख रही हैं, दीज आर, ये लाइंस किसी ना किसी वेवलेंथ को एसोसिएट करेंगी, इन ये लाइन किसी ना किसी एनर्जी को रिलेट करती हैं, इसलिए इनको एक जो अरेंजमेंट किया गया इनका, इसको कहा गया इमिशन स्पेक्ट्रा। द लाइट इज इमिटेड गिवन ऑफ, आपने यहाँ नियॉन का देख लीजिए, यहाँ पर आयरन का देख लीजिए, देख है ना तमाम चीज़ों के। लेकिन जो बोर ने समझाया था, वो बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया था। बोर ने बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में बताया। अब आप समझिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को अगर हम समझें कि ये कैसे डेवलप इन्होंने किया होगा,
ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो नेचुरली हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलती है, हाइड्रोजन तो नेचुरली हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलती है, लेकिन अगर इस हाइड्रोजन गैस को हम वही डिस्चार्ज ट्यूब जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज एनोड रेज के लिए यूज़ करते थे उस तरह के किसी डिस्चार्ज ट्यूब में उस हाइड्रोजन गैस को भर लें, हाई वोल्टेज लगाएं, लो प्रेशर लगाएं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होगा लो प्रेशर होगा उस कंडीशन में ये आपके जो मॉलिक्यूल होगा दैट विल डिसोशिएटेड इनटू एटम्स, मॉलिक्यूल विल डिसोशिएटेड, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ब्रेक इनटू इट्स एटम्स, मॉलिक्यूल विल डिसोशिएट इनटू इट्स एटम्स। ऑब्वियसली ये एटम्स जो होंगे ये एटम्स क्या करेंगे, अब ये एटम्स अब क्या करेंगे, दीज एटम्स विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक स्पार्क, जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा था जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है और ये एटम्स में कन्वर्ट हुआ। अब एटम्स क्या करेंगे, एटम विल रिसीव एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक स्पार्क। अब एनर्जी को जब ये रिसीव कर लेंगे तो क्या करेंगे, ये जाएंगे हायर स्टेट पर, रिसीव करने के बाद यानी एब्जॉर्ब करने के बाद ये हायर स्टेट पर जाएंगे, लेकिन हायर स्टेट पर जाने के लिए एक्साइटेड स्टेट पर जाने के बाद वहाँ आपको पता है ये फॉर द शेक ऑफ सेकेंड ही रुकते हैं और फॉर द शेक ऑफ सेकेंड रुकने के बाद इनको फिर बैक आना पड़ेगा और जब ये बैक आएंगे तो इस समय जो एनर्जी रिलीज होगी और अगर वो एनर्जी को हम देखें तो वो हर ट्रांजिशन अपने आप में एक नई वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप में एक नई एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए ज़रा यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट पर थे, आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये उसके एटम है, सपोज़ करिए कोई इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन को ये कैसे चलता होगा और वो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को यहाँ से रिसीव कर लें, किसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लें, तो कहाँ जाएंगे, वो हायर स्टेट पे जाएंगे, या तो वो यहाँ जाएंगे या वो यहाँ जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि वो किस लेवल की एनर्जी उन्होंने एक्सेप्ट करी है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि वो वहाँ से हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएंगे, हायर स्टेट से जब लोअर स्टेट में आएंगे तो ये सपोज करिए आपका n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 2 है और ये आपका n इज इक्वल टू 1 है ग्राउंड स्टेट और ये n इज इक्वल टू 3 है बेटा। मान लीजिए एक स्टेट में यहाँ पे और ले लेता और यहाँ पे सपोज करिए एक में n इज इक्वल टू 4 ले लेता और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाता तो अब क्या क्या हो सकता था। अब ऑब्वियसली आप जानते हो कि एक बार इन्होंने इतनी एनर्जी तो रिसीव कर ली कि n इज इक्वल टू 2 पे पहुँच जाए या n इज इक्वल टू 3 पे पहुँच जाए या n इज इक्वल टू 4 पे पहुँच जाए, लेकिन उस पर पहुँचने के बाद इन्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो हायर स्टेट में रहते हैं एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं कितने टाइम के लिए वहाँ पे मौजूद रहते हैं, आपको शायद मैं बता चुका हूँ शुरू से ही कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10^-8 सेकेंड के लिए रहते हैं भैया। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर अगर ये आ गए तो इसने 9^2 है तो सीधे यहाँ पर आ गया, ये फिर से लौट के आ जाएगा, फिर से लौट के जब आएगा, अब n इज इक्वल टू 2 से ज़रा यहाँ से मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, n इज इक्वल टू 2 से फिर से ये लौट कर आएगा, देखिएगा अब ये है n इज इक्वल टू 2 पर, अब ये यहाँ से आएगा और ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ से ये आएगा तो एक लाइन एक एनर्जी एक फोटोन रिलीज करेगा और वो फोटोन जो एनर्जी रिलीज होगी वो उस एनर्जी का कोई अपनी वेवलेंथ होगी, इसका मतलब यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे एक लाइन आपको मिली और उससे आपको एक लाइन मिली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रा डेवलप कर रहे हैं, एक लैम्डा मिला ना, तो इफ यू आर गेटिंग 1 लैम्डा इट मींस यू आर गेटिंग 1 लाइन। इसके बाद ये आप देखिए जरा, यहां पर अगर ये n इज इक्वल टू 3 पे होता तो क्या करता ये, इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी थी, इसके पास 3 पॉसिबिलिटी थी n इज इक्वल टू 3 पे, n इज इक्वल टू 3 पे इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज थी, ये हो सकता था ये आपका n इज इक्वल टू 2 है पूरा के पूरा, पहला ऑप्शन ये n इज इक्वल टू 3 पे था जब हायर स्टेट पे पहुंच गया तो अपनी लोअर स्टेट पे, या तो पहली बार ये हो सकता है यहां पे आ जाए यानी पहला ट्रांजिशन, पहला ट्रांजिशन ये है कि n इज इक्वल टू 3 से ये n इज इक्वल टू 2 पे आ जाए। दूसरा ट्रांजिशन क्या होगा, दूसरा ट्रांजिशन ये होगा कि ये n2 से n1 पे आ जाए, दूसरा ट्रांजिशन हो गया। तीसरा ट्रांजिशन क्या हो सकता था कि ये 3 से सीधे 1 पे आ जाए, यानी कि यहां पे 3 ट्रांजिशन आपको दिख रहे हैं, इट मींस 3 ट्रांजिशन अगर आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिल रही, जो स्पेक्ट्रा में लाइंस आएंगी वो स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती है, इट मींस
इससे रिलेटेड अलग लैम्डा होगा एच सी अपॉन लैम्डा वन, इससे रिलेटेड अलग लैम्डा होगा एच सी अपॉन लैम्डा टू, इससे रिलेटेड इस ट्रांजिशन से रिलेटेड जो एनर्जी निकलेगी उसका अलग लैम्डा होगा एच सी अपॉन लैम्डा थ्री। तो देर आर थ्री ट्रांजिशंस। सपोज करिए अगर आप यहां पर होते फोर से और अगर आप यहां पे आना होता, फोर पे आपका इलेक्ट्रॉन होता और आपको इस ट्रांजिशंस को देखना होता तो फोर से क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही थी पता है? फोर से क्या क्या पॉसिबिलिटी थी? नंबर वन, ये फोर से थ्री में मान लीजिए आप एक पहला ट्रांजिशन। नंबर टू, फोर से टू में मान लीजिए आप दूसरा ट्रांजिशन। फोर से जो आपने फोर वाला जो फोर से थ्री में आया था अब वो थ्री वाला टू में आ जाए तीसरा ट्रांजिशन, फिर टू वाला वन में आ जाए चौथा ट्रांजिशन, फिर थ्री वाला वन में आ जाए पांचवा ट्रांजिशन, फिर फोर वाला वन में आ जाए छठा ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उस स्पेक्ट जो स्पार्क वहां पे डेवलप हुआ था ना उससे अगर इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके n इज इक्वल टू फोर तक पहुंच जाता है तो उसके बाद उसके कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हैं? जितने ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे बेटा उतनी ही लाइंस पॉसिबल होंगी, उतनी ही स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल होंगी। अब आप ऐसे कैलकुलेट करते रहोगे तब तो आपके लिए बड़ी टेंशन की बात हो जाएगी। तो मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक देता हूँ कैसे आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पर निकाल लोगे, यू विल गेट वेरी इजीली। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। इस मैटर को सॉल्व करते हैं हम लोग। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू फोर पे पहुंचा सो दैट विल बी एन एन माइनस वन अपॉन टू। मान लीजिए एन एन माइनस वन अपॉन टू नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगी। यहां पर अगर ये फोर पे है तो अभी मैंने देखा था कि सिक्स ट्रांजिशन आए थे। अगर ये थ्री पे था तो मैंने देखा था कि यहां पर थ्री ट्रांजिशन आए थे। अगर ये टू पे था तो मैंने देखा था कि यहां पर वन ट्रांजिशन आया था, वन स्पेक्ट्रल लाइन आई थी। जितने ट्रांजिशन उतनी एनर्जी, जितनी टाइप की एनर्जी उतने टाइप का लैम्डा, जितने टाइप का लैम्डा उतने टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन, क्योंकि लैम्डा के हिसाब से ही तो लाइंस को अरेंज किया जाता है। क्या होता है स्पेक्ट्रम में, लैम्डा को ही तो अरेंज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। अगर मैं एन इज इक्वल टू वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। अगर मैं एन इज इक्वल टू टू पर अगर मेरा इलेक्ट्रॉन है, एन इज इक्वल टू टू पर अगर है और कोई मुझसे पूछे कि एन इज इक्वल टू टू से नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितने होंगे तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ ट्रांजिशंस या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बराबर होगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी इज इक्वल टू एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पर एन की जगह टू रख दीजिए, टू इंटू टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, यह आपका आ गया एंड इट इज इक्वल टू वन। वन ट्रांजिशन आया, देखा आपने, वन ही ट्रांजिशन था। अगर मैं यहाँ पे एन इज इक्वल टू टू ले लेता कि नंबर ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एन इज इक्वल टू थ्री पे पहुँच गया, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एन इज इक्वल टू थ्री पे पहुँच गया तो वहाँ पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी? अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी आपकी एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अभी हमने जब समझा था तो हम वहाँ देख रहे थे कि ये थ्री है, ये थ्री माइनस वन है, ये टू है। देखिए टू से टू कट गया एंड देर आर थ्री। हम थ्री अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व की थी, थ्री हमने ऑब्जर्व की थी ना कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा एन इज इक्वल टू टू पर तो एक ही आएगा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो तीन पॉसिबिलिटीज थी। क्या क्या पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी याद होगा आपको? पहली पॉसिबिलिटी बताई थी कि ये यहाँ से यहाँ आ जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ आने के बाद यहाँ आ जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से सीधे यहाँ आ जाए। तो तीन तरह के नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस यहाँ पे पॉसिबल थी। तो अब ये पूरी कैलकुलेशन हम लोग करें, उससे अच्छा ये फॉर्मूला हम याद कर लें, ये ट्रिक हम याद कर लें, जिसकी वजह से हम सीधे सीधे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं। बेटा आपके लिए बहुत ही इजी करके ला रहा हूँ चीज़ों को, बहुत ही आसान तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। एन इज इक्वल टू फोर, एन इज इक्वल टू फोर, क्या हुआ भाई पेन,
एन इज इक्वल टू फोर अगर हम ले लेते हैं और यहाँ पर देखिए आप तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, 4 × 4 − 1 / 2, इट मीन्स 4 × 3 / 2 मीन्स इज इक्वल टू 6। तो ये आपका 6 हो गया, ये दीज आर द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, यानी यहां पे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आपके सामने आ गए। ओके बेटा, ओके, ये सारी कंडीशन तब की थी जब फाइनली एटम हमारा ग्राउंड स्टेट पे आ रहा था, तब की ये नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन थी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस थी। लेकिन सपोज करिए अगर कोई ऐसा सवाल कर ले, ऐसा कोई क्वेश्चन कर ले कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 पर है और वो n इज इक्वल टू 2 तक अगर आता है, अगर n इज इक्वल टू 2 तक ही ट्रांजिशन, तो n इज इक्वल टू 2 तक आने के लिए कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे, कोई ऐसा सवाल कर ले तो फिर ये तो मामला, ये फार्मूला तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि ये फार्मूला तब वैलिड था व्हेन इलेक्ट्रॉन फाइनली कम्स टू द ग्राउंड स्टेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन फाइनली कम्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो याद रखिएगा इसका मतलब यहां पर एक दूसरा केस टू बन गया। अब इसी में हम समझते हैं केस टू को, क्योंकि आगे तो स्पेस है नहीं। चलिए व्हाइट कलर का वो ले लेते हैं तो हम वहां से निकाल लेंगे। तो देखिएगा अगर ये मैं मान लूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये N2 है और मान लीजिए ये N1 है, और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये आ जाए कि भाई हम ग्राउंड स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन 4 पे था और अगर वो इलेक्ट्रॉन 2 पे आना चाहे तो कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे, या कितने पॉसिबल एनर्जीज फोटॉन्स निकलेंगे, या कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी, या कितने पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज डेवलप होंगी, या कितनी पॉसिबल स्पेक्ट्रल लैम्डास डेवलप होंगे, ये किसी भी तरह से क्वेश्चन को पूछे मतलब एक ही बनता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई अगर ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन दिस सिचुएशन दे विल बी n2 − n1 + 1 / 2। इस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारा n2 4 है, सपोज करो n2 हमारा यहाँ पे तो वैसे 3 है, यहाँ पे तो 3 है और यहाँ से 3 है, ये n1 2 है, सपोज करिए हम यही ले लेते हैं पहले, इफ़ वी आर गेटिंग 3 − 2 and 3 − 2 + 1 / 2, 3 − 2 means 1, 3 − 2 1 1 2 2 से 2 divide हो गया, यानी 1 which is equal to 1। देखिए यानी कि अगर हम 3 से 2 करेंगे और हम ग्राउंड स्टेट पे नहीं आना चाहते हैं तो हमें केवल एक ट्रांजिशन मिलेगा और एक वेवलेंथ मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। इफ यही सवाल हम यहां पर इस तरह से न करके हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, या फिर हम एक वाइट स्क्रीन, सिंपल स्क्रीन ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, नॉर्मल स्क्रीन भी ले सकते हैं, वाइट स्क्रीन हम ले लेते हैं और हमने इसी क्वेश्चन को बढ़ाया कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन, लेट्स टेक अगर इफ वी आर गेटिंग एंड आर इलेक्ट्रॉन इज एन इज इक्वल टू 4, हम यहां पे इलेक्ट्रॉन हमारा है एंड दिस इज एन इज इक्वल टू 3, दिस इज एन इज इक्वल टू 2, दिस इज एन इज इक्वल टू 1, वट इलेक्ट्रॉन इज, अब यहां पे हमारे सामने सवाल आया कि इफ इलेक्ट्रॉन इज एट फोर्थ शेल, इन फोर्थ शेल एंड वॉन्ट टू कम टू सेकेंड शेल, और वो सेकेंड शेल में आता है तो इसमें कितने पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पॉसिबल तो यहां से यहां आए आप, फिर यहां से आने के बाद यहां आ गए, फिर एक पॉसिबल ट्रांजिशन ये होगा कि सीधे आप यहां आ जाओ। इफ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट दीज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से देख रहे हैं। चलिए मैं अपने फॉर्मूले में, अपनी ट्रिक में रखता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ फार्मूले में इस चीज़ को रखता हूँ कि नंबर ऑफ फार्मूले, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इस तरीके से कैसे निकलेंगी, व्हेन वी आर नॉट मूविंग टू द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए जब हम मूव नहीं कर रहे हैं तब की सिचुएशन में कैसे स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी, तो वो होगा n2 − n1 + 1 / 2। बेटा ये n2 − n1 क्या है, n2 मतलब जहां तक आप ले जाना चाहते हो, जैसे आप सपोज करिए इसे आपने n2 कह दिया एंड यहां तक आप आना चाहते हो, ग्राउंड स्टेट पर नहीं आना चाहते, सो दिस इज 4 − 2 + 1 which is divided by 2।
फोर माइनस टू आपका कितना हो गया टू, और यहाँ पे फोर माइनस टू प्लस वन थ्री हो गया, एंड दिस इज टू, देर आर थ्री ट्रांजिशन। देखा आपने, आप ऐसे कर रहे थे तो तब भी थ्री ट्रांजिशन आ रहे थे, और अगर ये सब आपको नहीं आता हो तो आप सिंपल इस फॉर्मूले को याद रखिए, एंड बाय द अप्लाइंग ऑफ दिस फॉर्मूला यू विल गेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। यानी अगर ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन पे ये है, और अगर ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इस फॉर्मूले से निकाली जाती हैं ग्राउंड स्टेट पे, इफ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे निकाली जाती हैं, और जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ रहा है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इस तरह से निकाली जाती हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रल लाइन पे अगर आएगा तो यू विल इजीली सॉल्व इट। कोई भी ऐसा जगह, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जहां से क्वेश्चन आपका जेई में, नीट में कहीं भी आ जाए। अब हम बात करते हैं वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की। हमने अभी तक इस बात को समझा स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने इस बात को समझा इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सारी बातें हमने समझी। वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट और ग्राउंड स्टेट। नाउ वील नो अबाउट द वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। वॉट डू मीन बाई द वेव नंबर? वेव नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड वॉट डू यू मीन बाई द वेव नंबर। वेव नंबर इज बेसिकली दिस न्यू बार विच इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा का रिवर्स होता है, दिस न्यू बार इज कॉल्ड वेव नंबर, दिस इज कॉल्ड वेव नंबर। यू कैन से कि हाउ मेनी वेव्स आर प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, इस तरह से आप इसको वेव नंबर को डिफाइन कर सकते हो। एंड लैम्डा इज ऑब्वियसली एक करेक्टरिस्टिक क्वालिटी होती है किसी वेव की, एंड दैट इज बेसिकली वेव लेंथ। तो हम इस तरीके से फाइनली हम ये चाहते हैं कि वन अपॉन लैम्डा कैसे, कितना क्या निकलेगा और इसकी क्या कैलकुलेशंस होंगी। हमें शायद अच्छी तरह से याद है, अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो हमें अच्छी तरह से याद है, इफ वी नो दैट स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें कहाँ से मिलेंगी, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द स्पेक्ट्रल लाइन्स, फ्रॉम द ट्रांजिशंस। ओके, इफ एनी थिंग इज मूविंग फ्रॉम द एन टू टू एन वन, इट मीन्स हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, इसी से तो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, लाइन मिलेगी। सो ऑब्वियसली यहां से जो फोटोन रिलीज होगा दैट विल बी बेसिकली, उसकी जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल बी एच न्यू, इट मीन डेल्टा ई दैट विल बी एच न्यू, एंड दैट इज बेसिकली एच सी अपॉन लैम्डा। एंड यू नो दैट वेरी वेल कि दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू ई एन टू माइनस ई एन वन, दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। लेट्स गो टू द एनर्जी कॉन्सेप्ट, दिस इज द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टेट एन टू, यानी शेल नंबर एन टू, एंड दिस इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल नंबर एन वन, ऑर्बिट नंबर एन वन। लेट्स गो टू द एनर्जी फॉर्मूला, लेट्स गो टू द एनर्जी फॉर्मूला। एनर्जी फॉर्मूले में वेन वी विल मूव टू द एनर्जी फॉर्मूला, वी नो दैट ई एन इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज बेसिकली फॉर्मूला। इफ वी टॉक अबाउट ई एन टू मीन्स इट विल बी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर। इफ वी टॉक अबाउट ई एन वन इट विल बी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z square upon n1 square, and now come to the delta E. This delta E will be is equal to E n2 minus E n1, higher state minus lower state, means you have taken 13.6 as a constant, z square as a constant,
और माइनस का माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम फाइनली 1/n1² - n2² क्योंकि माइनस अंदर जाकर प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन है यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम हियर। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम n2 टू n1, द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन और द फोटोन रिलीज्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन विल बी कैलकुलेटेड बाई डेल्टा ई। एंड दिस डेल्टा ई, व्हाट डू मीन बाय दैट, दिस डेल्टा ई, बहुत ही अच्छी चीज भी मैं आपको बता रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट द रिडवर्क फार्मूला, हम इसी तक अभी पहुँचने वाले हैं, वी आर जस्ट रीचिंग टू द रिडवर्क फार्मूला। बेसिकली वी नो दैट वेरी वेल, दिस डेल्टा ई इज नथिंग बट एच सी अपॉन लैमडा एंड दिस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1² माइनस 1/n2² एक बहुत अच्छी सी बात बताएं कि रिडबर्ग एनर्जी इज अ टर्म, रिडबर्ग एनर्जी, दिस इज अ टर्म ऑफ रिडबर्ग एनर्जी, आर ई इज इक्वल टू आर एच सी। आर एक कांस्टेंट है, रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग कांस्टेंट, हियर आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट, एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड सी वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। दिस रिडवर्क एनर्जी, यानी इट मीन्स रिडवर्क फार्मूला, प्लैंक कॉन्स्टेंट और वेलोसिटी ऑफ लाइट को वेन यू विल बी मल्टीप्लाइड, इट विल बी इजिकल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट्स वाई दिस 13.6 इज ऑल्सो कॉल्ड रिडवर्क एनर्जी, दिस 13.6 इज ऑल्सो कॉल्ड रिडवर्क एनर्जी। तो ये भी कई बार कहीं पर पता किया जा सकता है, दिस कैन बी ऑल्सो आस्ड, दिस मे बी आज। सो दिस इज डेल्टा ई विच इज एच सी अपॉन लैमडा एंड इन प्लेस ऑफ 13.6 यू कैन ऑल्सो पुट आर एच सी, दिस इज जेड स्क्वायर एंड दिस इज 1/n1² माइनस 1/n2² एच सी एच सी से डिडक्ट हो गया एंड फाइनली इट बिकम्स 1/λ विच इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1² and minus 1/n2². This is basically Rydberg formula. हम जिसके बारे में बात कर रहे थे ना कि how we will you derive Rydberg formula? This Rydberg formula is derived from here. 1/λ is equal to rz². बहुत ही short trick मैंने लगाई और एक नया term ही आपको objective दे दिया। एक objective question बनता है, what do you mean by the Rydberg energy? एक नया और term भी बताऊंगा आपको। So this is basically Rydberg energy. And this is Rydberg formula and R is here Rydberg constant. Let's understand Rydberg constant. Rydberg constant, so it means we are getting number of waves. This is basically nu var, which is number of wave. Come to the, let's see, this is R z square. For hydrogen atom, hai, to z ki value 1 le li gai. So the R z square 1.096. 7×10⁻⁷ पर मीटर, दिस इज आर। यहां पर जो आर होगा, व्हाट डू मीन बाय दैट आर, स्क्रीन एक वाइट स्क्रीन और ले लेते हैं। आर विल बी इज इक्वल टू 1.09678, ऐसे होता है तो हम 67 भी ले लेते हैं नॉर्मली। दिस इज 10⁻⁷ पर मीटर, दिस इज द रिडबर्ग फॉर्मूला। पर मीटर हम लेते हैं, लेकिन आपको याद रखिएगा जो आगे हम बहुत सारी लाइंस डेवलप करने जा रहे हैं, रीजन्स हमें मिलेंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन मिलेगा। लाइंस जब मिलेंगी ना, कुछ लाइंस हमें अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेंगी, कुछ लाइंस हमें विजिबल रीजन में मिलेंगी, कुछ लाइंस हमें नियर इन्फ्रारेड में मिलेंगी, कुछ लाइंस हमें इन्फ्रारेड में मिलेंगी, कुछ फार इन्फ्रारेड में मिलेंगी, कुछ वेरी फार इन्फ्रारेड में मिलेंगी। उन सब लाइंस का अलग अलग सीरीज़ होगा और उन सीरीज़ का अपना अपना नाम होगा। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अगर इतना होता है तो इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, इफ यू वांट टू कंपेयर इट, हाउ विल यू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ आर? 1/r, दिस इज 1.09678×10⁻⁷, दिस इज पर मीटर, पर मीटर व्हेन इट विल बी मल्टीप्लाई सो इट कम, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁰ एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स यू कैन मल्टीप्लाई विद दिस and finally you will get right answer. यहाँ से ये गया, 10⁻³ आ गया,
it becomes 1000, 1.09678 angstrom, means 9 1 12 1 2 angstrom. ये टर्म मैंने इसलिए निकाला बिकॉज दिस टर्म विल बी फ्रीक्वेंटली यूज इन द फर्दर कैलकुलेशंस. 1/r इज इक्वल टू. वन मोर थिंग, इफ वी आर गेटिंग HC upon A is equal to HC upon lambda, इफ वी स्पेशल एक ट्रिक है हमारे पास, इफ वी टेक 12,400 and it will be 12,400 will be in electron volt angstrom, and this lambda is in angstrom, so you will get the electron volt energy. और lambda से सीधे divide कर दीजिए. lambda अगर आपका सीधे divide कर देंगे तो value आपकी सीधे सीधे निकल आएगी. lambda का value निकल आएगी या electron volt में निकल आएगी. अगर lambda angstrom में दिया होगा तो energy निकलेगी वो electron volt में निकलेगी, और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई होगी और लैम्डा से आप एंगस्ट्रॉम से डिवाइड कर देंगे तो भी आप इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हो. सो दीज आर द स्पेशल ट्रिक्स टू मेक इजी कैलकुलेशंस. हम कैलकुलेशंस को अगर इजी बनाना चाहते हैं तो इन स्पेशल ट्रिक्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो फिर मॉडर्न फिजिक्स हो और चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो. दोनों ही में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये. ठीक है बेटा, so this is basically 1/r or you can say 1/λ which is equal to rz square 1/n1² minus 1/n2² and this is ab jab hum isse aage jayenge beta is pe aayenge. तो यहाँ से जो हमने चीज़ों को देखा कि ये हम ऐसे निकाल रहे हैं और इसको हम वी आर गोइंग अप टू दिस, हमें ये देखा. अच्छा, वो हमारा सेव नहीं हुआ. तो आप देखिए यहाँ पर मूवमेंट होगा. इससे मैंने कहा था कि जब बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी और बहुत सारी जब स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी तो स्पेक्ट्रल लाइंस के अपने अपने ग्रुप मिलेंगे और वो स्पेक्ट्रल लाइंस अपनी अपनी सीरीज बना लेंगी बेटा. जब वो अपनी अपनी सीरीज बना लेंगी ना, तो उस सिचुएशन पर जब वो अपनी अपनी सीरीज बना लेंगी तो हम पहली सीरीज की बात करेंगे और उसका नाम होगा लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज का क्या मतलब, व्हाट डू मीन बाय द लाइमन सीरीज? लाइमन सीरीज मींस होगा 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1² n2² इफ वी टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तो जेड इज इक्वल टू 1, तो हमें इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1² माइनस n2² व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, जैसे आप लाइमन सीरीज की अगर बात करें, यहां पे हम नोट करें दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n is equal to 5, n is equal to infinite. An electron is moving from anywhere, like 2 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 4 से 1 में आए, 5 से 1 में आए, या infinite से 1 में आए. तो इस तरह से जो हमें lines मिलेंगी, जो spectral lines मिलेंगी, वो एक सीरीज में आएंगी और उस सीरीज का नाम रखा गया लाइमन सीरीज. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द अपर साइड हायर स्टेट टू द एन इज इक्वल टू 1. इट मीन्स देखिए, यानी कि यहां पर जो लोअर स्टेट है वो n1 इज इक्वल टू 1 है और हायर स्टेट n2, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लाइक 2 to 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट. हायर स्टेट कुछ भी हो सकता है और लोअर स्टेट में आपने देखा कि यानी कि सारी लाइंस, देखिए हायर स्टेट में n2 है और लोअर स्टेट में 1 है, तो लोअर स्टेट हर कोई लाइन हायर स्टेट से 1 में आएगी. तो n1 की जगह देखिए क्या लिखा, n1 यहां पे होता, यहां पे 1/n2² होता या 1/n1² होता, तो n1 की जगह 1 लिखा, n2 की जगह हमने n2 लिखा.
दिस इज बेसिकली आर, हमने ऐसे लिख दिया, इन्होंने वैसे लिख दिया। तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई अगर यहाँ पर हमें फार्मूला लिखना है तो हमारा फार्मूला यही तो बनेगा, वन अपन आर। अब देखिए यहाँ पर ये वन होगा और ये आपका एन टू कुछ भी हो सकता है, एन टू की वैल्यू टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, फाइव हो सकती है, सिक्स हो सकती है। नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लाइन की, फर्स्ट लाइन की जो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन है वो क्या होगी भाई? फर्स्ट लाइन तो यही होगी ना कि आप एन टू से एन वन में आ जाए, एन टू से अगर आप टू से वन में आ रहे हैं तो फर्स्ट लाइन है, यानी इफ एन टू इज टू एंड एन वन इज वन तो दिस इज बेसिकली फर्स्ट लाइन। जो फर्स्ट लाइन होती है वही मैक्सिमम वेवलेंथ होती है उसकी, समझिएगा जरा। तो फर्स्ट लाइन की जरा हम वेवलेंथ निकालते हैं, फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कैसे निकलेगी, लेट्स सी। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ अगर हम निकालेंगे देन वन अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू आर वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर। वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर मीन्स वन बाई फोर, फोर बाई थ्री मीन्स आर इज इक्वल टू आर इन थ्री बाई फोर, दिस इज वन अपॉन लैम्डा। सो वॉट डू मीन बाय द लैम्डा? इट मीन्स लैम्डा विल बी इज इक्वल टू फोर बाई थ्री इंटू वन बाई आर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वन बाई आर अलग से क्यों कैलकुलेट किया था, इसीलिए किया था कि रखिए मैं कैलकुलेशन मुझे ना करनी पड़े और मैं सीधे वन बाई आर की वैल्यू को यहां पे रख दूं। नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दिस इज फोर बाई थ्री इंटू नाइन बाई नाइन वन टू, थ्री थ्री जो नाइन एंड थ्री जीरो फोर, इट मीन्स ट्वेल्व वन सिक्स। तो फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ होगी दैट विल बी ट्वेल्व सिक्सटीन एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो ट्वेल्व सिक्सटीन एंगस्ट्रॉम होगी। इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट सेकेंड लाइन की सेकेंड लाइन की लैम्डा क्या होगी तो क्या करोगे आप, सेकेंड लाइन क्या मिलेगी, थ्री से वन में, थ्री टू वन सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन कौन सी मिलेगी, फोर टू वन में थर्ड लाइन। लास्ट लाइन क्या मिलेगी, इनफाइनाइट टू वन लिमिट लाइन जिसे हम कह सकते हैं। लास्ट लाइन मीन्स इनफाइनाइट टू वन। देखिए आपने देखिए यहां पर कि टू से वन में आ गए, थ्री से वन में, फोर से वन में, फाइव से वन में, इन्फाइनाइट से वन में। आपने जब यहाँ पे देखा यू आर गेटिंग फ्रॉम फर्स्ट लाइन एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन दैट इज बेसिकली वन अपॉन लैम्डा। इन्होंने वन अपॉन लैम्डा की वैल्यू दी है, फर्स्ट लाइन का वन अपॉन लैम्डा दिया है, मैंने लैम्डा आपको कैलकुलेट करके दिया है तो लैम्डा बिल्कुल वैसे ही आएगा वन अपॉन लैम्डा। आप उसका जस्ट न्यू बार निकाला है ना, तो न्यू बार का मतलब तो ये हुआ कि वेव नंबर, वेव नंबर मीन्स फर्स्ट वन अपॉन लैम्डा। तो यहां पर बेटा जो फर्स्ट लाइन हमारी आई वो एन टू से टू वन में आया, सेकेंड लाइन हमारी थ्री से वन में आई, थर्ड लाइन ऑब्वियसली फोर से वन में आएगी एंड लास्ट लाइन आपकी। वी विल कैलकुलेट लैम्डा क्योंकि लैम्डा की कैलकुलेशन से हमें ये इजीली सीखने को मिलेगा कि ये जो सीरीज, ये जो लाइंस हैं, ये जो सीरीज है लाइमन सीरीज है, ये किस रीजन में स्टैंड कर रही है, ये किस रीजन में स्टैंड कर रही है। जैसे हम एक लिमिट लाइन निकाल लेते हैं, पहली लाइन निकाल लेंगे और लिमिट लाइन निकाल लेंगे, इससे हमें वो रीजन मिल जाएगा, वो वेवलेंथ की रेंज मिल जाएगी जिस रेंज में बाकी की सारी वेवलेंथ आएंगी। लिमिट लाइन की बात करते हैं हम, लिमिट लाइन मीन्स आपको कहाँ इनफाइनाइट और वन, ये आपका आ गया, इट मीन्स वन अपॉन लैम्डा विल बी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन स्क्वायर माइनस, यू नो वेरी वेल दिस इज जीरो, दिस इज वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू वन बाई आर एंड वन बाई आर यू आर गेटिंग नाइन वन ट्वेल्व एंगस्ट्रॉम। तो ये आपकी लिमिट लाइन हो गई। तो लास्ट लाइन सबसे मिनिमम छोटी लेंथ होती है और जिसकी लैम्डा सबसे कम होती है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी लैम्डा सबसे बड़ी होती है उसकी एनर्जी सबसे छोटी होती है। इट मीन्स ये हुआ कि जो फर्स्ट लाइन थी वो मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइन थी और जो लास्ट लाइन थी वो मिनिमम वेवलेंथ की लाइन थी। इट मीन्स इस सीरीज़ की जो वेवलेंथ की सीरीज़ की वेवलेंथ, सीरीज का वेवलेंथ रेंज है वो कहां से कहां तक है।
सीरीज का वेवलेंथ रेंज है 9,112 एंगस्ट्रॉम 2, 12,116 एंगस्ट्रॉम, ये सीरीज की वेवलेंथ रेंज है। सीरीज की अगर ये वेवलेंथ रेंज है तो ये वेवलेंथ रेंज किस रीजन में मिलती है? यू नो, यू ऑल नो वेरी वेल कि भैया जो रीजन्स होते हैं वो तीन तरह के बेसिकली माने जाते हैं। वन इज अल्ट्रावायलेट रीजन, अदर वन इज विजिबल रीजन, थर्ड वन इज इंफ्रारेड रीजन, है ना। अब जरा समझिएगा आप कि यहां पर आप सब जानते होंगे कि विजिबल रीजन कहां से कहां तक मिलता है। विजिबल रीजन जनरली 3800 एंगस्ट्रॉम टू 6800 एंगस्ट्रॉम तक मिलता है। दिस इज द विजिबल रीजन। इसके नीचे वाला, इससे कम वेवलेंथ वाला यूवी रीजन होता है, और इससे ज्यादा वेवलेंथ वाला 100-200 एंगस्ट्रॉम का कोई बात नहीं है, 100-200 एंगस्ट्रॉम तक चलता है, लेकिन 100-200 एंगस्ट्रॉम के ऊपर कोई बात नहीं है। विजिबल रीजन है, इससे ज्यादा पर ये यू कैन से कि 7000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर आपका, मान लीजिए मैं 200 एंगस्ट्रॉम का मार्जिन लेके चलता हूँ, सो 7000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर इंफ्रारेड रीजन होगा और 3600 के नीचे यूवी रीजन होगा। तो ये रेंज आपकी उसी में तो आ रही है, तो दिस रेंज बिलोंग्स टू यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। इट मींस लाइमन सीरीज की जो भी सारी लाइन्स होती हैं, इट बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि ये वाली सीरीज किस रीजन में मिल रही है, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिल रही है। किस तरह का स्पेक्ट्रम शो करती है, विच काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा डज इट शोन बाई लाइमन सीरीज, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। देखिए, लाइमन सीरीज एक सिंगल ऐसी सीरीज है जो कि इमिशन स्पेक्ट्रम के साथ साथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी शो कर सकती है, क्योंकि फाइनली इलेक्ट्रॉन वन पे आता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और एक्साइट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिले, बट जनरली इट विल प्रोवाइड इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी अकेला लाइमन सीरीज है जो दोनों तरह का इमिशन, दोनों तरह का स्पेक्ट्रम शो करता है। इमिशन स्पेक्ट्रम भी शो करेगा, इसमें इमिशन स्पेक्ट्रम शो होगा और साथ में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी शो होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी शो होगा। दिस इज अलोन लाइमन सीरीज, दिस इज अलोन सीरीज विच कैन शो वो टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइम्स देयर इज 43 मिनट्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट बामर सीरीज। वॉट डू मीन बाय द बामर सीरीज? इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम, देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम एन इज इक्वल टू टू, ये फाइनली इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू टू में आना है। इसमें क्या होता है, फाइनली इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू टू में आता है, मीन्स एन इज इक्वल टू मतलब लाइक एन वन इज इक्वल टू टू, यानी कि टू में आना है, और एन टू इज इक्वल टू थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सेवन हो सकता है, अप टू इनफाइनाइट। इसका फॉर्मूला आपका सीधे सीधे बनाया, इन्होंने आर की वैल्यू के यहाँ पे रख दिया, हम सीधे सिंपली आर दिखाते हैं, न्यू बार है, इसे वन अपॉन लैम्डा कह सकते हैं, है ना, और वन अपॉन लैम्डा कह सकते हैं। आर जेड स्क्वायर की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेड की जरूरत क्या है, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात चल रही तो जेड तो वन ही हो गया ना। इस पूरी की पूरी ये सीरीज तभी मिलती भी है हमें, ये लाइन्स की जो सीरीज है ये हमें तभी मिलती है व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू द एन इज इक्वल टू टू, यानी कहीं से भी इलेक्ट्रॉन टू में बैक करता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन टू में आता है तभी ये हमें मिलता है। अगर कहीं से भी टू में करेगा तो हमें फर्स्ट लाइन क्या मिलेगी और हमें लास्ट लाइन क्या मिलेगी? फर्स्ट लाइन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट लाइन मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइन होती है। फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ मान लीजिएगा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है बेटा, और ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कहाँ से मिलेगी? वन अपॉन लैम्डा विल बी इज इक्वल टू आर वन अपॉन, देखिए फर्स्ट लाइन कैसे मिलेगी, टू का स्क्वायर कहाँ पे आएगा, थ्री से टू में अगर आए तो हमें फर्स्ट लाइन मिलेगी। मीन्स यहाँ से आपको मिलेगा विच इज आर, दिस इज योर नाइन,
माइनस फाइव, नाइन इज माइनस फोर यानी फाइव, एंड नाइन फोर जो 36, दिस इज योर 5/36, आप कैलकुलेट कर लेंगे एंड यू विल गेट लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, लैम्डा विल बी इज इक्वल टू 36/5 × 1/r। फ्रॉम हियर दिस फर्स्ट लाइन लैम्डा मैक्स विल यू गेट 36/5 / 912 angstrom। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे एंड यू विल गेट दिस इज 5 × 1 = 5, 4 × 5 = 40, 5 × 2 = 10 अप्रोक्सीमेटली, एंड इस तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने पर अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 6 × 2 = 12, 1 × 6 = 24, 1 × 24 = 6, 8 × 3 = 6, 3 × 2 = 24, 2 × 3 = 3 or 2 = 5, 2 × 1 = 8 = 6312 angstrom। तो दिस एंगस्ट्रॉम बिकम्स 6312 angstrom। ये लैम्डा आपका मैक्स निकल के आ रहा है वो 6312 angstrom निकल कर आ रहा है लैम्डा मैक्स, जो कि फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ होगी। एक काम करते हैं ना, इसी की लास्ट लाइन की वेवलेंथ निकाल लेते हैं, वो लैम्डा मिनिमम होगा, तो लैम्डा मैक्स और मिन हो जाएगा, तो बाकी के लैम्डा तो सब उसी के बीच में होंगे ना। यहां पे देखिए, अगर यहां पर हम बात करें बामर सीरीज की, तो बामर सीरीज विजिबल रीजन में मिलता है, यही मैं प्रूफ कर रहा था आपको। होता क्या है, चलिए देखता हूं मैं, लास्ट लाइन भी अभी आपको निकाल के दिखा दूंगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे भी कि क्या हो रहा है। देखिए आप देख ही रहे, इसको हमने एच अल्फा कहा, इसे हमें अगर n इज इक्वल टू 4 से 2 जाए तो बीटा कहेंगे, यहाँ से आए तो यहाँ पे गामा कहेंगे, और उसी के हिसाब से ये आपका 1/λ कहा जा सकता है, दिस इज 1/λ। और न्यू बार निकालना है, तो अगर हम 1/λ करेंगे तो फिर लैम्डा के लिए इसे 1/रिवर्स करना पड़ेगा, तो लैम्डा निकल आएगा। लैम्डा को जब हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, ये पूरा कि एंगस्ट्रॉम में नहीं है, नॉर्मली हमारे क्वेश्चन एंगस्ट्रॉम में होते हैं, दैट्स वाई बी आई एम प्रोवाइडिंग यू all the calculations in angstrom and electron volt, because generally questions are asked in this unit, okay? Last line, चलिए last line के बारे में भी देख लेते हैं ताकि हमें पूरी region समझ में आ जाए। Last line क्या होगा, last line में बेटा n1 आपका 2 होगा और n2 infinite होगा। Last line जब आपको मिलेगी that will be lambda min, 1/λ min, आर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, 2 का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, इस तरीके से आप समझ सकते हो। इट विल बी लैम्डा मिन विल बी इज इक्वल टू 4 × 1/r। सॉल्व कर लेंगे 4 × 1/r, और 1/r की मैं पहले ही कैलकुलेशन कर चुका हूँ, इसीलिए तो किया था मैंने कि ताकि ये मेरी कैलकुलेशन आराम से सॉल्व हो जाए। निकल आए 9 × 4 × 912, दिस इज 8, थ्री सिक्स फोर एट एंगस्ट्रॉम। जरा समझिएगा, यहां पे जो हमें रेंज मिल रही है मैक्स और मिन की, वो कहां से कहां तक मिल रही है। लैम्डा मिन क्या है हमारा, लैम्डा मिन है हमारा 3648 angstrom, और लैम्डा मैक्स क्या है, लैम्डा मैक्स है हमारा, अभी हमने देखा था 6312 था, 6312 था या 6512 जो भी था, ये है मान लीजिए एंगस्ट्रॉम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो विजिबल रीजन होता है दैट इज बेसिकली 3800 angstrom to 6800 angstrom। ऑब्वियसली ये मैक्सिमम चीजें कहां पे लाई कर रही हैं, मैक्सिमम विजिबल रीजन में लाई कर रही हैं ना ये लाइंस, इनके जो लैम्डा है वो विजिबल रीजन में लाई कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड दैट बॉमर सीरीज ऑब्जर्व्ड इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन क्या होता है बेटा, जिस चीज़ को हमारी आंखें देख पाएं। होता तो बहुत कुछ है, होता तो यूवी रीजन भी है, हमारी आंखें नहीं देख सकती, हमारी अल्लाह ने हमारी आंखों को उतनी कुव्वत नहीं दी है, उतनी ही कुव्वत दी है जितनी कि हम उन लाइंस को देख पाएं, तो उन रीजन को हम कहते हैं विजिबल रीजन, यानी कि जो हम देख रहे हैं वो बहुत कम है, जो हम नहीं देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है।
दिखने वाली चीज़ें हमेशा बहुत कम मायने रखती हैं और ना दिखने वाली चीज़ें हमेशा ज़्यादा मायने रखती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये आपका आ गया लैम्डा मिन, विजिबल रीजन मिल गया। यहाँ पर क्या किस तरह के स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको, इमिशन मिलेगा कि एब्जॉर्प्शन मिलेगा, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि बामर सीरीज का जो स्पेक्ट्रम होता है वो इमिशन मिलेगा कि एब्जॉर्प्शन मिलेगा। याद रखिएगा बामर सीरीज का ऑलवेज इमिशन होगा, ऑलवेज इमिशन, ऑलवेज इमिशन, बाकी सबका इमिशन ही होगा बेटा, सारी सीरीज का इमिशन होगा एक्सेप्ट लाइमन, क्योंकि वो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट कैन अगेन एक्सेप्ट दी एनर्जी एंड एक्साइट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ शेल। ये था आपका बामर सीरीज विजिबल रीजन। इसके बाद पार्शियल सीरीज, अब तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पार्शियल सीरीज अब इसके आगे ही वेवलेंथ मिलेंगी। पार्शियल सीरीज जो मिलेगी वो मिलेगी हमें, देखिए सारी की सारी शेल्स कहाँ से कहाँ गिरना है, कहाँ से कहाँ गिरना है, एक बार देखिए इसके आगे दिया है, हर इलेक्ट्रॉन जो कि फॉल टू द एंड इज इक्वल टू 3, यानी 4 से 3 में जाता है, 5 से 3 में जाता है, 6 से 3 में जाता है, 7 से इन्फिनिटी से 3 में जाता है, यहाँ से जो मिलेगा ये फर्स्ट लाइन मिलेगी और फर्स्ट लाइन का लैम्डा मैक्स होगा, और यहाँ से जो लाइन हमें मिलेगी, दिस लाइन विल बी इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो ये लास्ट लाइन है और लास्ट लाइन का लैम्डा मिन होता है क्योंकि उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, जिसकी एनर्जी मैक्सिमम उसका लैम्डा मिन होता है, जिसकी एनर्जी लैम्डा मैक्स उसकी एनर्जी मिन होती है। तो आप जानती हो कि E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, तो E और लैम्डा में तो रिलेशन उल्टा है ना। फिर हम जब इसका लैम्डा मैक्स निकालते हैं और लैम्डा मिन निकालते हैं, आप फिर से वैसी कैलकुलेशन कर लोगे और इसकी आप रेंज देखते हो लैम्डा मिन और लैम्डा मैक्स की, तो ये रेंज आपको नियर इन्फ्रारेड में मिलेगी, नियर इन्फ्रारेड। कैलकुलेट कर लीजिएगा बिल्कुल उसी तरीके से। क्या करेंगे फर्स्ट लाइन के लिए, आप क्या करेंगे मैं बता देता हूँ, फर्स्ट लाइन के लिए आप क्या करेंगे, लेट्स सी। देखिए फर्स्ट लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन के लिए आपको N1 तो आपका 3 है, ये N2 की वैल्यू आपको 4 रखनी पड़ेगी, और लास्ट लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट लाइन के लिए N1 तो तब भी 3 है क्योंकि हमेशा आना तो 3 से ही है, और लास्ट लाइन आपका मतलब लास्ट पॉइंट इन्फिनिटी, यानी अगर इन्फिनिटी से 3 में आए तो आपको लास्ट लाइन मिलेगी, यहाँ से आपको जो मिलेगा और वहाँ से जो मिलेगा उसकी लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे और वो लैम्डा इसमें आएगा। इसको कहेंगे नियर इन्फ्रारेड रीजन, और इससे आपको हमेशा इमिशन स्पेक्ट्रम ही मिलेगा। ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज में आप फिर से देख लीजिए ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मूला क्या बनेगा, ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मूला ही बनेगा 1/λ इज इक्वल टू आर 1/ कहां से कहां तक आना है, 4 से, कहां से आना है N2, कुछ भी आ सकता है, N2 क्या हो सकता है 5, 6, 7, 8, देखिए 5 से गिरा, 6 से, 7 से, इन्फिनिटी से, ये पहली लाइन होगी फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन होगी, लास्ट लाइन का ट्रांजिशन क्या होगा, N1 इज इक्वल टू 4 और N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इससे मिलने वाला लैम्डा कैसा होगा, मिन, कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन क्या होगा, फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन होगा N1 इज इक्वल टू 4 एंड N2 इज इक्वल टू 5, फर्स्ट लाइन, इससे मिलेगा लैम्डा मैक्स, और इस तरीके से जो इनकी रीजन की रेंज आएगी वो रेंज आपकी अप्रोक्सीमेटली इंफ्रारेड में आएगी, इंफ्रारेड,
फुंड में वही सारी बातें, वही सारी चीज़ें, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपर लेवल से नंबर फाइव की शेल में आएंगे तो हुंड कहलाएगा, फुंड कहलाएगा, है ना बेटा। और वही सारी बातें, फर्स्ट लाइन कब मिलेगी, फर्स्ट लाइन तब मिलेगी जब N2 आपका, देखो जब आपका ये आपका सिक्स से अगर फाइव में आए तो ये फर्स्ट लाइन हो गई, फर्स्ट ट्रांजिशन, और इन्फिनिटी से अगर इसमें आए तो ये लास्ट फुक लाइन हो गई। और फिर वैसे ही आप निकाल दोगे, इससे जो आपको रीजन मिलेगा वो फार इंफ्रारेड मिलेगा, और इससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एमिशन स्पेक्ट्रम ही होगा। ये आपकी फुंड सीरीज हो गई। ये सारी चीज़ें दिखा दी गई कि भाई लाइमन की एक एक ग्रुप ये अलग लाइमन का हो गया, ये ग्रुप अलग बामर का हो गया, ये अगर पाशन का हो गया, ये ब्रैकेट का हो गया, ये फुंड का ग्रुप हो गया। यहीं पर एक सीरीज होती है हम्फ्री सीरीज, एक आर्बिट्रेरी सीरीज है। अगर हायर लेवल से सिक्स ऑर्बिट में गिरे तो हम्फ्री सीरीज मिल सकती है, और वही सेम बातें हैं। सिक्स नंबर में गिर रहा है N2, कुछ भी हो सकता है, N2 क्या हो सकता है, सेवन एट नाइन इन्फिनिटी, फर्स्ट लाइन क्या मिलेगी, लास्ट लाइन क्या मिलेगी, फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, फर्स्ट लाइन के लिए N1 सिक्स होगा और N2 सेवन होगा, लास्ट लाइन के लिए क्या होगा, N1 आपका सिक्स होगा और N2 इन्फिनिटी होगा। बस सिंपली ये क्या, कौन सा रीजन होगा, फार इंफ्रारेड। राइटिंग आपको खराब लगे तो बुरा मत मानना, फार इंफ्रारेड रीजन, ठीक है बेटा। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस आर देयर, क्वेश्चंस आ गए, डिफेक्ट्स आ गए, यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमने पूरा सीख लिया। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमने पूरा सीख लिया, ओके बेटा। हाउ मेनी इमिशन लाइंस, अब इस पर हम पूरा के पूरा वर्कआउट करते हैं। हाउ मेनी इमिशन लाइंस इन एंड ऑल शुड बी विजिबल इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए मैं आपको बताऊं, फॉर बहुत ही आसान तरीका बता दूं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। इफ दिस इज एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थर्ड ऑर्बिट, इट मीन थर्ड ऑर्बिट में इफ एन इज इक्वल टू थ्री है, इट मीन नंबर ऑफ वेव्स आर, या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी थ्री। सिंपल, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही यूनिक मेथड बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की कंडीशन का यूज करिए, आंसर सीधे आपके पास। यही वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का मतलब यूज है जिसकी मदद से एक बहुत अच्छी चीज आपके सामने आ सकती है। कौन सी चीज, बहुत गजब की चीज आपके सामने ला सकता हूं मैं। देखिए 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, लैम्डा बराबर क्या हो सकता है, h अपॉन p क्या हो सकता है, nh/mv। दिस इज 2πr, mv को उधर ले आइए, देखिए समझ गया कि ये mvr इज इक्वल टू nh/2π क्यों क्वांटाइज होता है h/2π का, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं करती है। तो यानी कि ये जो बोर का मॉडल था, ये इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज ए वेव, अगर इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव ले लिया जाए तब भी उसके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू समझाया जा सकता है कि हाउ एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इट्स वेरी यूनिक वे एंड वेरी यूजफुल वे, ओके बेटा। इसके बाद हम लोग इस पर डिफेक्ट्स देखेंगे बोर मॉडल के, और बोर मॉडल के डिफेक्ट्स देखने के साथ साथ हम क्वेश्चंस करेंगे
अभी तक हमने जितना भी वर्कआउट किया है उस पर और बेहतरीन कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे हमने वर्कआउट कर लिया था, लेकिन अब आगे आने वाले ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, खासतौर से जेई मेन और नीट में आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ ऐसे ही कराऊंगा, अल्टीमेट कलेक्शन है और अल्टीमेट तरीका बताऊंगा बहुत ही स्पेशल ट्रिक्स के साथ।